क्या आपको पता चला फिजिक्स वालों ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस त्यौहार तैयारी का और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट मेगा लॉन्चेस विद मेगा ऑफरिंग्स तो आए साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलकर इसके सारे बेनिफिट्स अवेल करते हैं सभी को पता है कि सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम क्रैक करना ईजी नहीं है क्योंकि हर साल सी एस आई आर नेट या आई आई टी जैम में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको चाहिए फोकस डिटर्मिनेशन डेडिकेशन एंड गुड स्ट्रेटजी अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम के प्रिपरेशन आज से और अभी से देर आर सरकार बैच फॉर आई टी जैम टू थाउंड ट्वेंटी फोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो टेक्नोलॉजी इन जस्ट रुपीज टू थाउजेंड एंड हंड्रेड फिजिक्स वाला लाया है आपके लिए शोध बैच बैच फॉर सी एस आई आर ने टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इन केमिकल साइंसेज लाइफ साइंसेज मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज इन जस्ट रुपीज टू थाउजेंड वन हंड्रेड विश्वास दिवस ऑफर पहले 10 मार्च तक ही रखा गया था लेकिन आप सभी स्टूडेंट के प्यार और डिमांड को देखकर अलग सर ने इस ऑफर को 15 मार्च तक एक्सटेंड करवा दिया है सो so, आप फिजिक्स वाला कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फिजिक्स वाला लिंक पर क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड विनय थ्री यूज़ करिए जहाँ पे आपको एडिशनली थ्री का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटने गिन में हूँ आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम सॉल्व करा रहे थे सी पीजी का जो आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसको उसके आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन जहां पे सौ क्वेश्चन पूछे गए थे और अब जो है सी में आप आप देखेंगे जो क्वेश्चन पैटर्न है तो वहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी है पार्ट ए से पच्चीस एम आते हैं जो कि लैंग्वेज कम्परहेंशन वर्बलेबिलिटी जनरल अवेयरनेस मैथमेटिकल एंड क्वान्टिटेबिलिटी और स्किल से आते हैं वहीं पचहत्तर क्वेश्चन आपके डोमेन से होते हैं ये बॉटी का पेपर है इसका कोड है आपका पीजी क्यूपी सेवेंटी सिक्स इसमें ये सब है इसके सिलेबस है अभी तक मैंने कई सारे पार्ट पे जो है क्वेश्चन नंबर एट्टी तक पिछले पार्ट में कर दिया है सारे पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है क्वेश्चन नंबर 81 पे हम आते हैं क्वेश्चन दिया था 81 कि की हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट कंटेन एट लीस्ट पॉइंट फाइव परसेंट और फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ वर्ड्स थ्री लैक प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक स्टेटमेंट सेकेंड हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडावर्सिटी मस्ट हैव एट और मोर ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं दो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडावर्सिटी बोलते हैं वहाँ पे करीब 0.5% परसेंट वो होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए ठीक है एज अ इंडेमिक इंडेमिक हम ऐसे प्लांट को बोलते हैं जो कहीं और दुनिया में नहीं पाए जाते तो ऐसे एरियाज को जहां पे पॉइंट फाइव परसेंट इंडेमिक प्लांट उनको हम हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं सेकंड कि हॉटस्पॉट जो स्टेटमेंट सेकेंड है कि जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडावर्सिटी है वहां पर एट लीस्ट सेवेंटी परसेंट होना चाहिए उसका जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन वहां पर था तो यहां पर चार ऑप्शन है पहला जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है कि पॉइंट फाइव परसेंट होना चाहिए पर जो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है ये यह यहाँ पे गलत दिया हुआ है देखो अगर आप देखोगे कि जो डेफिनेशन दिया हुआ है बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट को वो बनाने का तो वहां पे दो यहाँ पे वो हैं, दो क्राइटेरिया होने चाहिए पहले तो अगर हम किसी रीजन को बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट बोल रहे हैं तो वर्ल्ड के जो जितने भी प्लांट्स हैं उनका पॉइंट फाइव परसेंट वहां पर प्लांट एज अ इंडेमिक होना चाहिए सेकेंड कि वो एरिया जो उसका वहाँ पे प्राइमरी विजिटेशन था उसका करीब 70 परसेंट लॉस्ट हो चुका हो पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट पे कि यहाँ पे मस्ट हैव दिया है तो ये यह यहाँ पे गलत है इस वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड क्या है फ़ाल्स है क्वेश्चन नंबर एटी पे हम आते हैं दो स्टेटमेंट है यहाँ पे और वो जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से आया हुआ था ठीक है वो जो है तो

कि ये प्लांट ग्रोथ को जो है प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है और ये डीले कराता है लीव एसे को और वहां पे प्लांट में जिससे कि काफी लंबे समय तक लीव्स वहां पे लग सके और अगर हम बात करें एफसेसिक एसिड का तो वो भी ट्रू है कि वो लीव को प्रमोट करता है लेकिन वहां पे इथालिन का भी यूज होता है दोनों एसिड और दोनों साथ साथ काम करते हैं लीफ या एपिशन के प्रमोशन के लिए तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है पर स्टेटमेंट सेकंड क्या है इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर एटी थ्री पे हम आते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई एलगल फोटोसेंसिस अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया कह रहा जो एलगल फोटोसेंसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो अलाउ करता है कि ग्रोथ हो एरोबिक बैक्टीरिया का तो एक तरीके से ट्रू है क्योंकि वो ऑक्सीजन पे डिपेंड होते हैं जब एलगल फोटोसेंसिस एलगी जो है करके ऑक्सीजन बनाएगा तो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा क्योंकि तो उन्हें चाहिए ऑक्सीजन तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड अगर हम देखें जो है से जो रिलेशनशिप होते हैं वो ऐसे एसोसिएशन होते हैं जहां पे इंटरेक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों के दोनों बेनिफिट उनको मिलता है ये भी इकोलॉजी से है सेकंड वाला जो स्टेटमेंट आया ये सब आपने पढ़ा होगा पर यहां पे पहला स्टेटमेंट तो मैंने बताया ट्रू है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत दिया होगा कि कमर्शलिजम एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है वहीं जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है उसे ना तो कोई हेल्प मिलता है ना तो किसी तरीके का मतलब ना तो वो बेनिफिट उसे कोई मिलता है ना तो उसको कोई नुकसान हो सके एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि एक बर्ड होती है कैटल इर्गट्स और ये जिस कैटल के ऊपर बैठती है वो उस कैटल के वो क्या करती है वहां पे उसको फीड करते हैं जो उस पर इंसेक्ट होते हैं और uh, कैटल को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इर्गट के प्रेजेंस से तो ऐसा ही वो है हरमिट क्रैप वगैरह का आपने पढ़ा होगा तो वही है कम्युनिशलिज्म में एक को बेनिफिट होता है दूसरे को नुकसान वगैरह ना तो फायदा होता है ना तो नुकसान होता है ठीक है तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है पर दूसरा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है 84 पे आते हैं हम दो स्टेटमेंट फिर से है यहाँ पे पेरिडम बोल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ओरिजिन का होता है एनजीओस्पम में और जिम्नोस्पम में सेटमेंट सेकेंड पेरिडम क्या कहता है एक स्पेशल टाइप का प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कि अंडरग्राउंड ऑर्गन्स ऑफ सम फैमिलीज में पाया जाता है जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि पेरिडम एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है सेकेंडरी ओरिजिन का एनजियोस्पम और जिम्नोस्पम में यह इनकरेक्ट है फर्स्टली एनजीओसपम के लिए सही है पर एनजीओसपम में केवल डाईकोटिलिडेंस के लिए होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिखा होना चाहिए था सेकेंडरी ओरिजिन ओरजिन डाईकोटिलिडेंस एंड जिम्नोसपम क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने की वजह से वहाँ पे पेरिडम पाया ही नहीं जाता है और अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखते हो कि पेरिडम जो है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है सम अंडरग्राउंड ऑर्गन में किसी सम फैमिलीज में तो ये एक्चुअली बहुत सारी फैमिलीज में मिलता है कुछ फैमिली में नहीं मिलता है तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से गलत है तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है क्वेश्चन एट्टी फाइव पे आते हैं दो स्टेटमेंट है पहला दे रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्रोमोजोम या क्रोमोजोम का पीस जो है ओवर रिप्रेजेंटेड हो गया मतलब जितना नॉर्मल रहता है उससे ज्यादा है वहां पे तो ये कंडीशन को हाइपोप्लॉइड बोला जाता है सेकंड स्टेटमेंट में उसी का उल्टा है कि अगर क्रोमोजोम या पीस ऑफ क्रोमोजोम है अंडर रिप्रेजेंटेड है तो उसको हम हाइपर प्लॉइड बोलते हैं पहली बात तो स्टेटमेंट से ही उल्टा है हाइपो का मतलब कम होता है हाइपर का मतलब ज्यादा होता है और यहाँ पे उल्टा ही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है, कि जब किसी के पास एक या है, है तो वो हाइपरप्लॉइड होगा और जहां पर अंडर रिप्रेजेंटेड है वो क्या होगा हाइपरप्लॉयड होगा स्टेटमेंट में उल्टा दिया हुआ है इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या है फॉल्सा क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स पे आते हैं दो स्टेटमेंट यहाँ पे भी है एलोप्रेटिक स्पेशिएशन रिक्वायर थाउजेंड मिलियन ऑफ इस इन थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तो ये करेक्ट है क्योंकि जब आप एलोडोप्रैक्टर पैट्रिक पे जाएंगे एक टाइप का है जियोग्राफिकली आइसोलेट पॉपुलेशन और वो फिर अपने तरीके से इवॉल्व करते हैं और इसमें जो है हजार या लाख साल लगते हैं या कई सारे थाउजेंड जनरेशन लगते हैं जिनमें से उनमें जेनेटिक डिफरेंसेस डिफरेंक्यूबलेट कर होते हैं और फिर क्या होता है एलोपैट्रिक एसिएशन होता है और वहीं दूसरे स्टेटमेंट दिया है एलोपैट्रिक एसपोसिएशन अगर कॉमनली इन प्लांट्स पॉलीप्रोइी एलोपैट्रिक एसपोसिएशन मैंने आपको बताया कि वहां पर जो पॉलीप्लॉयडी का रोल ज्यादा है लो नहीं है प्लांट में प्लांट में पॉलीप्लॉयडी तो है पर ये एक प्रकार का सिम्पैट्रिक पैट्रिक का है कि यहाँ पे प्लांट जो होते हैं सेम हैबिटेट में एक ही हैबिटेट में रहते हैं उनमें क्या होता है कभी कभी पॉलीप्लॉयडी हो जाती है और उसकी वजह से वो एक ही जगह पे रहते हुए दैट मीन सिम्पैट्रिक पैट्रिक उसमें हो रहा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है पर स्टेटमेंट सेकेंड क्या है फॉल्स है क्वेश्चन नंबर 87 पे हम आते हैं प्रॉपर्टीज यहां पे कुछ दिए हुए हैं जेंटिक कोड का जैसे कि जेंटिक कोड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड ट्रिप्लेट्स के बने हुए होते हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और कॉमा फ्री होते हैं डीजेनरेट होते हैं और ऑर्डर्ड होते हैं तो पांच चीजें हैं ये हैं जेन्टी कोड़। जेन्टी कोड़ है प्रॉपर्टीज ट्र, ऑफ जेंटिक कोड जेंटिक कोड जो होता है ट्रिप ट्रिपलेट न्यूक्स के बने होते हैं जिन्हें हम कोडाउन बोलते हैं तो पहला वाला सही है बी का अगर हम देख लें कि जो जेंटिक कोड होता है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है मतलब कि जो ईच न्यूक्लियोटाइड है वो एक सिंगल कोडॉन का पार्ट होता है डबल कोडॉन का पार्ट नहीं होता है सी वाले ऑप्शन पर अगर जाएंगे कॉमा फ्री होता है मतलब वहाँ पे गैप से फ्लक्चुएशन नहीं होता कोडॉन्स में डी जेंटिक कोड जो होता है वो डी होता है वो क्या करता है इनकोडेड होता है बाई मोर देन वन कोडॉन ई पे अगर हम आ जाए कि जेंटे कोड ऑर्डर होता है तो ऑर्डर इसलिए होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंसेस होते हैं वही डिटरमिन करता है कि जो आपके पॉलीपेप्टाइड में पॉलिपेप्टाइट एसिड का जो सीक्वेंस है वो तो जेनेटिक कोड क्या हुआ आपका ऑर्डर हुआ इसलिए आपके जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ए बी सी डी एन ई दीज आर ऑप्शन आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं पॉसिबल सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम इन प्लांट टिश्यू का जरिस कह रहा है अगर आप प्लांट टिश्यू लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो जो आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके कंटामिनेशन होने के क्या क्या चांसेस हैं तो फर्स्ट वन इज मीडियम इट ये सही है कि जिस मीडियम पे आप काम कर रहे हो सकता है उसमें माइक्रो आयोजन या अदर पैथोजेंस हो जिस कल्चर वेसल में आप काम कर रहे हैं जिसमें आप उसमें कल्चर कराएंगे वो कंटामिनेटेड हो या तो जो आप एक्सप्लांट उसमें कल्चर कराने वाले हो वो पहले से कंटामिनेटेड हो या तो जहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर रहे हो उस इन्वायरमेंट में वो हो कंटामिनेशन हो या तो आप खुद कंटामिनेट कर सकते हो उसके मीडियम को तो पांचों के पांचों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा डी ए बी सी डी यानी ओनली क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन पे हम आते हैं कह रहा है एक प्लांट है आपका फेरुला एसाफोटिडा इसमें कुछ एक्स्यूडेट्स ex निकलते हैं ठीक जो कि फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं ये कहाँ से निकाला जाता है लीफ के सर्फेस से या बी सर्फेस कट जो कट रूट होते हैं उनके सरफेस से ये फ्लावर से निकलता है डी स्टेम से तो अगर आपको पता हो ये जो फिरला फोइटिटा एक प्लांट है ये जिसे हम फोइटिटा बोलते हैं ये एक्चुअली रूट के सरफेस को अगर आप कट करते हैं तो वहाँ से एक्स्यूरेट निकलता है और ये अम्बेली फेरी का प्लांट है और इसको हींग हम बोलते हैं ठीक तो है ये, ये फ्योरिंग एजेंट के तरीके से यूज करा जाता है तो ये क्या होता है जो हींग आप देखते हो ये एक्सक्यूडेट है इसका ये रूट को कट करके निकाला जाता है मतलब रूट से निकलता है तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका बी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कट रूट्स तो ऑप्शन नंबर बी बी ओनली क्वेश्चन नंबर नाइनटी पे आते हैं यहां पे इसके बाद दस क्वेश्चन बचेंगे जिन्हें हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में कवर करेंगे तो पक्सीनिया ग्रामीण आपको पता है फंगस है पक्सीनिया आपने पढ़ा होगा रस्ट है ये और ये एक माइक्रोसाइक्लिक फंगस है इसे माइक्रोसाइक्लिक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जो है स्पोर्स बनते हैं मतलब बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं तो इसमें से पूछ रहा है पक्सी ग्रामीण में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं तो अगर आपने पक्सीना का लाइफ साइकिल पढ़ा हो तो आपको पता है वहाँ पर पिकनियोसपोर एसियो इसपोर यूडो स्पोर टिलेटोसपुर बिस्डियोसपुर पाँचों के पाँचों स्पोर्स स्पोर बनते हैं दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी ई ओनली अगर आप पढ़े हो तो जो फाइव स्टेजेस इन लाइफ साइकिल का वहाँ पे यूरोडोसपुर टेलोडसपुर प्राइमरी होस्ट जो आपका गेहूँ है या वीट है ट्रेड के मेप में उस पर मिलता है बिस्डियोसपुर वहाँ पे सॉइल में बनता है और जो पेडियो पिकनेडियोसपुर और एसियोसपुर है ये अल्टरनेट होस जो है आपका बर्बेरिस वर्गेज उस प्लांट पर बनता है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी से लेकर नाइन्टी तक का नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी से हंड्रेड तक का तो आपका ये पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा तो चलता हूँ मैं देखते रहिए आप मास्टर ऑफ बॉटनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो